दिल्ली में आबकारी घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। गौरव भाटिया ने कहा, केजरीवाल जिसे ईमानदार बताते हैं वो जेल जाता है। जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसे में 4 स्कूली बच्चों की मौत, ट्रक से भिड़ी स्कूल वैन। हादसे में घायल 8 बच्चों की हालत गंभीर। जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ी। ईडी ने आरोप करीबियों को भेजा पूछताछ का नोटिस। बेटे अब्बास की तलाश में 9 राज्यों में पुलिस की दबिश। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। लगातार बारिश से देश के कई राज्यों में हालात खराब। एमपी के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में भी नेशनल हाईवे पर पहाड़ गिरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। अमन चोपड़ा केस में न्यूज 18 इंडिया के राजस्थान ब्यूरो चीफ भवानी सिंह को परेशान करने की कोशिश। बिना वारंट और नोटिस के भवानी सिंह के घर पहुंची डूंगरपुर पुलिस। न्यूज 18 इंडिया को खबरें दिखाने से रोकने की कोशिश। कभी भी हो सकती है पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी। पुलिस ने एंटी टेरर एक्ट के तहत दर्ज किया केस। रैली के दौरान पुलिस और जजों को धमकाने का आरोप। बड़े युद्ध की आहट के बीच ताइवान पहुंचा भारत का पहला न्यूज चैनल। चीन और ताइवान की तनातनी पर न्यूज 18 इंडिया की बड़ी कवरेज लगातार। न्यूज 18 इंडिया की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबरें देखिए मेरे और नीरज तिवारी के साथ। पाकिस्तान के हैदराबाद में पुलिस ने कट्टरपंथियों के भीड़ से हिंदू सफाई कर्मी की बचाई जान। ईश निंदा के झूठे आरोप में भीड़ ने किया था हमला। पीड़ित के खिलाफ ही पुलिस ने दर्ज किया केस।